बाबा एक मूवी आई है काकुदा करके, जो हॉरर कॉमेडी ड्रामा का जेनर फॉलो करती है और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी G5 पर। भाई ये तड़का भी बहुत समय से नहीं देखने को मिला था क्योंकि बॉलीवुड में भाई बहुत बेवकूफियत वाले कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन यस इससे उम्मीद उतनी नहीं थी कि इतने हद तक का सॉलिड माल लिए डिलीवर कर देंगे, क्योंकि रितेश देशमुख थे और रितेश देशमुख भाई साहब बहुत समय से फॉलो फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन यस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा मिला है। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी दमदार है, मूवी ने लगभग लगभग कॉपी भी किया है और वो जेनर फॉलो किया है जो आपने भूतनाथ या फिर भूतनाथ रिटर्न जैसी मूवी कॉमेडी ड्रामा मूवी ये देखी होगी तो उससे बिल्कुल आप मैच करोगे। स्त्री मूवी जो फुल कॉमेडी देके गई थी एंड लेकिन हॉरर भी दमदार था उसमें। फिलहाल इसके लिए हॉरर उतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन हाँ कॉमेडी आपको ढेर सारी मिलने वाली है। स्टोरी राइटिंग की बात करें तो भाई साहब लिखावट बहुत प्यारी करी गई है, जो समय समय पर पंच डिलीवर करे जाएंगे वो भी हम डालेंगे। सोनाक्षी सिन्हा का डबल रोल देखने को मिलेगा, एक भूतिया टाइप का और एक चुलबुली टाइप का, तो वो भी दमदार था क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा से भाई एक्टिंग की हम उतनी अच्छी खासी उम्मीद करते हैं नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कुछ ज़्यादा मिल चुका है इसमें। कॉमेडी ह्यूमर की बात करें तो भाई साहब बहुत कुछ ये अपने साथ कैरी करती है जो आपको समय समय पर बिल्कुल मज़ा देकर जाएगा। हाँ थोड़ी सी कहानी लंबी हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बहुत जल्दी ये लोग ख़त्म भी कर सकते थे। अगर स्त्री की बात करें भाई साहब कहीं एक मैं देख रहा था कि स्त्री की कॉपी है ये वो, उसका जो थोड़ा सा फॉर्मेट यानी रोड मैप उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी, तो हाँ थोड़ा सा है सिमिलरिटी, बट कॉपी को या इंस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि वहाँ पर क्या था, स्त्री में था कि भाई साहब दरवाज़ा बंद करके लिखा जाता था कि वो स्त्री का लाना, बट यहाँ पर है कि काकुदा एक अपने डीमन यहाँ होने वाला है शैतान, जो एक छोटा सा दरवाज़ा खोल के उसका वेलकम करा जाएगा, दैट्स वाई कि वो उसे एक रेस्पेक्ट समझता है अपनी। अगर जिसने भी दरवाज़ा बंद किया तो उसको लात मार के वो उसके पीठ में कुबड़ निकालेगा और वो कुबड़ 13 दिन तक रहेगा और जिस दिन वो ख़त्म होगा वो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। ये है सिंपल सी स्टोरी लाइन और बाकी इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो काकुदा की थ्योरी फॉलो करी जाएगी या फिर इसको जो अनवील करने की कोशिश करी जाएगी कि ये आखिर हो क्यों रहा है और ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, इस गांव में ही क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे भाई साहब जितनी भी ये फॉलो अप करे जाएंगे बीच बीच में पैटर्न्स वो दमदार है। उसके लिए काफ़ी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और बाकी इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, थोड़ा सम टाइम आपको प्रिडिक्शन हो जाएगी, बट हाँ क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लग रहा था कि भाई जिस हिसाब से ये फॉलो चल रहा है क्लाइमैक्स दमदार होगा, बट उतना दमदार भी देखने को नहीं मिला। आफ्टर ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मूवी दमदार है, वन टाइम वॉचेबल है, कुछ नहीं है तो जाके जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कॉमेडी और ड्रामा ये शायद कंचना वाला हिसाब किताब देखे गया था जो हमें साउथ की मूवीज में वो ह्यूमर देखने को मिलता था, बट ये वाला ह्यूमर एज लॉजिकल यहाँ देखने को मिल रहा है। VFX एनिमेशन की बात करें तो इतना इनका जो भूत था वो इतना डरावना भी नहीं लग रहा था, दैट्स वाई कि थोड़ा सा वो पार्ट में कमी देखने को मिली है। बाकी मैं देना चाहूँगा इस मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार, मूवी दमदार है, जाके नहीं देखी तो देख सकते हो, कुछ भी नहीं है तो मिलते रहेंगे ऐसे। जय हिंद।